तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया बेलने जाना है, बाय। वो है हेलो एंड सो वेलकम गाइस, आई एम विक्रांत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विक्रांत YT 1 मिलियन में। तो गाइस आज की वीडियो में हम धमाकेदार Instagram ट्रेंडिंग रील्स के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइस इसकी सारी जो फाइल्स है, लिंक है, XML फाइल वगैरह, उनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियरली दे दिया है। अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो मेरे Instagram पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक रील्स दिखाता हूँ जिस पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वाली आप रील्स दे सकते हो, इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, हर इसकी बंदे की जो वायरल हो रही है। ये वाली जो बहुत सारी उसकी रील्स है आप देख सकते हो, ये वाली सारी रील्स उसकी वायरल हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस रील्स को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है पिक्सल लैब। सिंपली इसको ऑन करोगे एंड देन इसको ओपन करते आपको फटाफट से इसके अंदर जाना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ सारे टेक्स्ट को कर देना है रिमूव। और यहाँ पे एक शायरी जो भी अपनी शायरी बनाना चाहते हो उस शायरी को यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, यहाँ टाइप कर दोगे, ठीक है गाइस, ध्यान कर दोगे इसको, ओके। कुछ इस प्रकार से आपके सामने वो शायरी है वो ऑन हो जाएगी। तो फिर इसको गाइस आप इस टाइप से रख लोगे एंड चले जाओगे सीधे से गाइस फंड के अंदर, एंड फंड के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, टैप करके फंड के में जाओगे। एक गाइस लिमिटेड साइज के जो फंड आप इसके अंदर रख दोगे गाइस, मुझे ये वाले में सब फंड बढ़िया लगती है तो इसको मैं रख लूँगा, क्योंकि दिखने में थोड़ी यूनिक और बड़ी लगती है इसलिए रखूँगा। फिर चल जाऊँगा टैक्स के अंदर और यहाँ पे जाके दो तीन एटीट्यूड वाले इमोजी वो रख लूँगा शायरी के हिसाब से, अगर शेड शायरी है शेड रखो, जो आपको रखना है वो रख सकते हो। तो क्या ये मैं तीनों इमोजी रख के यहाँ कहीं इमोजी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे कहीं इमोजी को रख लेता हूँ एंड देन करूँगा क्या, यहाँ जाऊँगा और ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसका जो सारा बैकग्राउंड हटा के गए इसको मैं कर दूँगा यहाँ जाके सेव। तो देन ये हमारा प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा सेव। जो हमारा नेक्स्ट काम है वो एलाइट मोशन, तो एलाइट मोशन को ओपन करोगे तो गाइस कुछ आपके सामने एलाइट मोशन ओपन हो रहा है। देन आप अभी यहाँ पे चले जाओगे प्लस का आइकॉन के ऊपर एंड क्रिएट पेज के ऊपर जाओगे एंड आप फिर क्या करोगे, यहाँ जाने के बाद गाइस प्लस का आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे, मीडिया पे जाओगे और वापस एक शेप ले लोगे यहाँ से कोई भी, एंड इस शेप की जो साइज है वो गाइस आप यहाँ से कर दोगे थोड़ी सी बड़ी लीडर ले एंड कलर के ऑप्शन में जाके इसकी जो कलर है वो कर दोगे ब्लैक देन, ठीक है। एंड फिर प्लस के आइकन के पास जाओगे, जो आपने भी शायरी जो बनाई है उस शायरी को आपको ले लेना है, मैं अगर फोटो ले लेता हूँ देन गाइस आपके सामने यहाँ पर जो है वो फोटो आ जाएगा। तो यहाँ से उस जो हमने शायरी बनाई उस शायरी को यहाँ लेके हम गाइस थोड़ा सा साइज के अंदर कर देंगे एंड फिर हम चले जाएंगे एक प्रोजेक्ट का, गाइस मैंने आपको लिंक दिया है डायरेक्शन में, वहाँ जाकर उसको सिंपली से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या मैं पहले उस प्रोजेक्ट के ऊपर चला जाता हूँ, इसका जो लिंक है गाइस वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले सिंपली चलाओगे मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, इम्पैक्ट को जाओगे, यहाँ के सारे इम्पैक्ट को आप कर दोगे कॉपी एंड फिर से अपने जो जिस प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो इसको जाओगे इसके ऊपर एंड देन यहाँ पे जाओगे सिंपली इसको कर दोगे यहाँ से एडिंग एंड यहाँ पे कर दोगे गाइस पेस्ट, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो वीडियो को, गाइस मैं थोड़ा सा आपके सामने जूम करके दिखा रहा हूँ, गाइस देख सकते हो आप ये वाला, देख सकते हो ये वाला जो अभी देख रहे हो आपके सामने जो चल रहा है ना, वो धमाकेदार रील्स में चल रहा है ट्रेंडिंग वाला, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ ये वाला देख लीजिए, ये जो भी है एक नंबर बन गया है। तो क्या आज की वीडियो में कुछ इतना ही, और नई जानकारी चाहिए भाई को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन वगैरह ऑन कर दीजिए।